अब जी हम पंजाब क्रॉस कर रहे होते हैं, रास्ते बहुत सारे ढाबे, रोड साइड रेस्टोरेंट, बड़ी पंजाबी थालियों में खाना मिलता है। अभी साउथ इंडिया आए हैं तो यहाँ के हाईवे क्रॉस करते हुए इस तरह के रेस्टोरेंट आते हैं, या किस तरह का खाना मिलता है, किस स्टाइल में मिलता है, वो भी ज़रा देख लें, चख लें। और फिर पहुँचे मुन्नार, जो कि कहते हैं कि यहाँ के सबसे बढ़िया हिल स्टेशन के अंदर शामिल है। लश ग्रीन जो हमने सुना है, बट अपनी आँखों से आज हम खुद पहली बार माता जी एक्सपीरियंस कर लेंगे। ठीक है जी। केयरफुल, वॉशरूम, ओके गो। हाँ जी, मेन्यू पे आप रेट देख सकते हो, यहाँ पे किस हिसाब से लगे हुए हैं। इडली सेट, बड़ा सेट के यही है, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है। दैट्स अ फादर फ्रॉम द चर्च, वी यूज्ड टू हैव फादर्स एंड सिस्टर्स इन आवर स्कूल आल्सो। ज्यादा नहीं हो गया, स्टाइल है। आया ही पता, क्या बात है। सांबर ये रसम है, रसम ये कड़ी है, कड़ी ओके, ये कर्ड है, कर्ड, ये स्वीट पाइसम, अच्छा, बनाना वेफर, नाइस, पापड़, बनाना, पाइनएप्पल, ये तोरण है सर, तोरण जी, मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेज, ये है सर पम्पकिन, पम्पकिन, अरे वाह, ये सर मिक्स वेजिटेबल, अभी मिक्स वेजिटेबल, मैंगो पिकल, अच्छा, जिंजर पिकल, भाई साहब थाली सेट हुई है। तो मम्मी ने सबसे पहले कहा है कि भाई साहब हम बिना चम्मच के नहीं खा सकते, हमें चम्मच दे दो। पीपल ईट दिस विदाउट अ स्पून, लाइक दे ईट विद हैंड, इट्स लाइक अ कल्चरल थिंग एंड दे आर ट्रेन्ड फॉर डूइंग दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बट टुडे वी गेट स्पून, या या वी गेट, ओके। सबसे पहली खुजली मेरे को है पाइनएप्पल ट्राई करने की। मम्मी, भाई साहब हॉट एंड सॉर होता ना, हॉट एंड सॉर, वो है असली हॉट एंड सॉर। पता नहीं कौन सी बीन्स है, पम्पकिन ट्राई करता हूँ, पम्पकिन। वैसे उन्होंने घर में कभी जिंदगी में पेठा खाया नहीं। पेठा होता है? तू खा रहा है? मुझे पता ही था पम्पकिन पेठे को बोलते हैं। कोकोनट है, सब्जियां, ओए हो, न पापड़, क्या बात, ये चार भी अच्छा होता है। अरे साहब ऐसे फ्लेवर हैं जो मैंने जिंदगी में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मतलब हमने साउथ इंडियन खाया है, मगर मेरे को हमेशा बचपन से लोग कहते थे कि जब आप केरला जाके, साउथ इंडिया जाके साउथ इंडियन खाओगे ना, तो उसका एक अलग जायका आएगा, और वो बात 100% सही थी। मगर ये तो चीज़ें ऐसी हैं, सब्जियां, प्रेपरेशंस, जो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अमेजिंग, मज़ा आ गया। बिल्कुल ही अलग है, खाते का अपने वहाँ जैसा नहीं। ये भी मैंने बहुत सुना था कि नॉर्थ इंडिया में सांभर की अलग ही डेफिनेशन है। सो इट्स डिफरेंट, बट इट्स रियली हॉट। हींग है, हींग। Do you know how we're supposed to eat the banana with this? Oh, it's like a dessert towards the end. But up to you, you can be creative. और थाली जो लगभग निपट गई है, उसकी कीमत है 220 रुपए, और मम्मी का दही बड़े 75 के, बाकी मिनरल वाटर 20 का। लेफ्ट साइड पे जो आपको खेती दिख रही है ना, सारी राइस की है। केले के पेड़ है, केले के पेड़, ओ यार, केले का खेत, हाँ।
जिस जगह पे हम खाने के लिए रुके थे वो लगभग ऐसी जगह पे थी कि बस उसके बाद माउंटेन्स थोड़ी सी आगे जाके शुरू हो जाते हैं मुन्नार के, जिनके ऊपर अब हम जाने वाले हैं। एज यू कैन सी इन द ड्रोन शॉट्स कि आपको सामने जो है हिली एरिया सारा नजर आ रहा होगा, मगर किसी कहते हैं ना हरे पहाड़ है, तो इनकी तो ब्यूटी अलग ही लेवल की। बाकी जी बोर्ड में लिखा हुआ केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, और सावधानी दी गई है कि यहाँ पर जंगली हाथी फिर रहे होते हैं भाई साहब, तो अगर कोई वार्निंग श्योरनिंग हो तो उसको सीरियसली लेना। सर तो पूंड लड़ जाए भज लेने तो हाथी लड़न की गल हो रही है। नसो निकल रहे थे बाऊजी तो मेरी नजर पड़ गई इस पे, मैंने कहा ऐसे तो गड्डी रोकनी पड़ी है। क्या सुंदर वाटरफॉल है, चिट्टा चिट्टा पानी अपना फर्स्ट क्लास। आई डो वेलकम टू द फॉरेस्ट। है जी हम पहाड़ों में, मगर एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो जिगजैग वाले बड़े मसूरी टाइप कर्व्स होते हैं ना वैसे नहीं है, तो इसलिए जो हिल है ना इसको क्रॉस करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे शुरुआत हो गई है जी, इधर से सारे जो कहते हैं ना मसाले, हमने सर से रिक्वेस्ट करी है कि हमको इलायची दिखा दो, इतनी महंगी है। मम्मी क्या भाव है इलायची? बहुत महंगी है भाव, इतना मुझे ध्यान नहीं है, पर 3-4 हज़ार रुपए किलो होगी। 3-4 हज़ार रुपए किलो? यहाँ पे कितने में है सर? 2000 रुपए। 2000 रुपए किलो मिलती है यहाँ रेट पे, ला चलो चुपके। नारियल तो लगे हैं, मगर यहाँ घर घर में कई जगह कॉफियां भी लगी हुई हैं, और कॉफी के जो बीन्स है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। कहते हैं जो ग्रीन वाले तो भी कच्चे हैं, मगर जब ये लाल हो जाए ना तो इनको तोड़ के उतार के पहले बॉईल किया जाता है, बॉईल करने के बाद इनको धूप में सुखाते हैं, उसके बाद एक मशीन में डालते हैं जिसमें इनका छिलका उतर जाता है, फिर उसके बाद कॉफी बीन निकल आता है, उसके बाद उसको फ्राई करते हैं और फिर क्रश करके जो है कॉफी पाउडर में बोलते हैं इसको कोको बीन। कोको चॉकलेट बनाने के लिए। अच्छा चॉकलेट कोकोआ है ये डॉल, दिस इज कोकोआ। अब ये जी आना चल करके जगह आई है, हर थोड़े टाइम में छोटे छोटे टाउन आते रहते हैं। मुन्नार को तकरीबन 13 किलोमीटर और आगे है, और यहाँ पे हर जगह आयुर्वेदिक आपको स्पा मिल जाएंगे, कॉफी शॉप मिल जाएंगी, स्पाइसेस की शॉप मिल जाएंगी, जो सारा लोकल सामान ही है वहां से इकट्ठा है। ये पीछे से ये शुरू हो गई है टी प्लांटेशन, मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा दूं कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, और टाटा टी तो आपको पता ही होगा, तो उनके बागान जो है ना वो इस एरिया में, और कितने एरिया में है 52,500 हेक्टेयर। अगर डायरेक्ट धूप पड़ रही हो ना आप पे तो थोड़ी सी स्ट्रांग है वो फील होती है कि थोड़ी सड़ाने वाली धूप होती है, बट अगर हल्की सी भी धूप पड़ जाए बादल आ जाए तो ऐसी ठंडी हवा चलती है मजेदार। मगर यहाँ के टेम्परेचर का यही है ना, वो जो दिल्ली जैसी कड़क सर्दी होती है वो नहीं है, प्लेजेंट वाली सर्दी है, और टेम्परेचर इस टाइम कोई तकरीबन 20-22 डिग्री के आसपास। ये जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहा है ना, ये बीच बीच में लंबे खंबे से खड़े हुए, ये सिल्वर ओक, और जो सिल्वर ओक ट्री है ये टी प्लांटेशन के हर थोड़ी थोड़ी देर में बीच में पेड़ उगाए होते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये अलग से बीच में पेड़ क्यों उगा रखे हैं खंबे खंबे से इतनी साफ सफाई के अंदर, तो उन्होंने बताया वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे हवा तेज चले तो हवा के प्रभाव जो है वो टी प्लांटेशन पे उस तरीके से ना पड़े, इसलिए बीच बीच में ये वाले पेड़ लगाए जाते हैं। जब से हम चढ़े हैं ना ये रास्ते पे तब से मम्मी यही कह रही है वाव 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 प्रिटी है, और सैंड्रा इज लाइक कॉन्स्टेंटली रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ही मतलब मैं मम्मी ऑस्ट्रिया गया था तो वहाँ की जिसे कहते हैं ना हरे पहाड़ हमने देखे थे इतने सुंदर, ये मतलब मेरे को लगता है उसको भी बीट करते हैं, क्योंकि अच्छा? ये तो यार आप ये देखो ना कि ये क्राफ्टेड है एक तरीके की, जो ट्री प्लांटेशन है वो एक अलग तरीके की इसको लुक और वाइब दे रही है, प्लस इतने अलग अलग तरह के फूल भी हैं यहाँ पे। ये जो लंबे लंबे पेड़ है ना ये ग्रैंडीज ट्री हैं, और ये सारे कागज बनाने के काम में इस्तेमाल है। ये है जी अफ्रीकन टूल, चाय दिख रही है ना यहाँ पे, सारी जो इसका जो मदर प्लांट है ना वो कहते हैं कि आसाम से आया है,
और ये जो अफ्रीकन ट्यूलिप वाला है ये भी ब्रिटिशर लेके आए हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मच्छर इतने होते थे कि ये जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम मच्छरों को अट्रैक्ट करता है सर। ये एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट, एक्सट्रैक्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट, मतलब सारी उनको यूजलेस रेंडर कर देता है कहने का मतलब। बाकी सारा प्लांट जमीन से अच्छा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये इंसेक्ट से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब वो मर जाते हैं उसके बाद जाते हैं। अच्छा तो इसके पास गए तो खत्म। ओके क्या बात है। अभी अभी मैंने ड्रोन उतारा, हमने इसका शॉट ले थे। ओए होए क्या बात है, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है। मम्मी फट बगी बगी आई है, ये 4000 किलो वाली आइटम है, मैं हूं ही तोड़ के ले आ जाऊं। हैं ये तो बहुत मोटे लग रहे हैं। ये इलायची है, पता है इनसे आई ये बाद में उसका सूख के छोटी हो जाती है। ये इलायची है सर? हां इलायची। तो ये अभी ये इस कंडीशन में तो कुछ करने लायक नहीं है, तो ये सूख के छोटी होती है, क्या होता है इसका? नहीं नहीं तो अभी साइज छोटा है ना, थोड़ा बड़ा चाहिए, उसके बाद तोड़ते हैं। अच्छा I have not seen mummy this happy in any other destination. Have you seen her so happy, is she excited? Going to pick some? I know she can. हवा कितनी बड़ी चल रही ना? ये कह रहे हैं मम्मी कि spices को ना शेड चाहिए होती है, छांव, इसीलिए जंगल टाइप माहौल में उगती हैं। अच्छा। हाँ, चलो आओ चलें यार। यार नहीं है मजा ही था पर वो इतने अच्छे तरीके से दे रहे हैं तो अच्छा ठीक है। अरे वाह वाह वाह, वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे एक हाथ में कैमरा ना, वरना मैं भी दो हाथ से लेता। ओके कमलन सर सीट भाई साहब, व्यू तो यहां से जिसे कहते हैं ना सुपर अमेजिंग है। पाँच हज़ार फुट की ऊंचाई पे होटल है, और जो इसका ऊपर वाला फ्लोर दिखा ना वो एक्चुअली जीरो फ्लोर है। वहाँ से एंटर हो गए थे, माइनस चार लेवल नीचे आए हैं जहाँ पे स्पा और हेल्थ क्लब है, और उसके बाद हम पहुँचे हैं इस लेवल पे। और क्योंकि ये स्टेप स्ट्रक्चर में बना हुआ तो हमको जाना दूसरी साइड, वहाँ से वो एलिवेटर लेके और नीचे जाएंगे जहाँ पे एक्चुअली रूम है। माता जी आ रही है फील? चलो फिर पूरी ला रही है। बिल्डिंग ऊपर तो बहुत गए हैं, नीचे पहली बार आ रहे हैं, माइनस एट पे आ गए हैं। अच्छा ओके दैट इज वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। वो और ग्राउंड फ्लोर बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है। क्या बात है, आई एम माता जी टोर है। अरे सामने अपना व्यू देखो। मैडम ने खाना क्या वो डिसाइड कर रही हैं, और हमको भगवान की दया से फिर से कनेक्टिंग रूम मिल गए हैं, तो इसलिए माता जी भी अपना फुल सेट हो रही हैं। मैं तो मम्मी एक बड़ा साउथ इंडियन किस्म का मटन है जिसका मेरे को नाम भी नहीं लेना आ रहा, मैंने बस में पढ़ा है कि उसमें कोकोनट डाल के खिलाते हैं, तो मैं तो वो मंगा रहा हूँ। हाँ आप क्या लोगे? मैं देखूँ। हाँ मैंने चेक करी ना, वैसे तो मैंने दुबई शुबई में चटनाडू वटनाडू जो होते हैं ना बड़े होते हैं। ये मटन है नाइस, ये मेथी मलाई चिकन। ओए होए 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 खोलो 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 खोलो, ये माता जी की खिचड़ी, ये है वेज पुलाव।